दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दिल्ली एमसीडी के नतीजे तो आपने देख लिए होंगे। जनता ने भाजपा को उखाड़ फेंका। अब जनता ने भाजपा को उखाड़ क्यों फेंका मैं आपको बताता हूं। ये देखिए लोग कितना परेशान हो रहे हैं। और यहां पर हर 10 मिनट में लाइन लग जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है और लोग परेशान होते हैं प्रदूषण की वजह से, धूल की वजह से। और ये हार्डवेयर प्याली रोड है, अभी कल परसों यहाँ पर किसी की जान चली गई थी और इससे पहले भी कई जाने यहाँ पर जा चुकी हैं। अभी भाजपा से 2 साल में ये रोड नहीं बनाया गया। अब आप सोचिए कितना बेढंगा काम हो रहा है फरीदाबाद में। और इसी वजह से जनता अब भाजपा को वोट नहीं दे रही है। दिल्ली में आपने देख लिया, अभी फरीदाबाद में भी MCF चुनाव होने वाले। हालांकि 1 साल से चुनाव लटकाए जा रहे हैं क्योंकि नेताओं को पता है जनता नाराज है, काम तो ये ठीक ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। अभी ये दिल्ली चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि दिल्ली में अगर दोबारा से भाजपा को वोट मिल गए, दोबारा से भाजपा की सरकार MCD में बन गई तो हो सकता है फरीदाबाद के लिए भी माहौल ठीक ठाक हो जाए। लेकिन अभी दिल्ली का नतीजा भाजपा ने देख लिया है और हो सकता है फरीदाबाद में ऐसे कुछ नतीजे सामने आए। अब सवाल उठता है कि ऐसे बेढंगे काम क्यों हो रहे हैं। ये रोड जिसको 3 महीने में बन जाना चाहिए, 4 महीने में बन जाना चाहिए था, 2 साल में क्यों नहीं बन पाया। भाई इधर आ जाओ, आपसे बात करेंगे। भाई साहब आपने सुना था ये रोड 4 महीने में बनना था? हाँ जी सुना सुना था कि नहीं? नेताओं ने बोला था 2 साल हो गए अभी तक बन नहीं पाया, बहुत परेशानी हो रही है। अब ये देखिए यहाँ पर हर 10 मिनट में जाम लग जाता है। कल परसों किसी की जान चली गई, पता चला आपको? नहीं मुझे नहीं पता। किसी की जान चली गई इन गड्ढों की वजह से और इससे पहले भी कई जाने जा चुकी। अभी ये कोई इधर से भागता है, कोई उधर से भागता है और इसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है और इसी के वजह से लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन नेता लोग, भाई कोई घायल होता है, कोई मर जाता है ना, तो नेता लोग उसके दर्द को नहीं समझते, नहीं समझ उनको ये नहीं समझ में आता किसी की जान जा रही है आपकी वजह से। आपको जो काम 4 महीने में करना चाहिए था वो काम आपने 2 साल में भी नहीं किया। अभी देखिए कोई उधर से भाग रहा है, देखो भाई साहब कोई उधर से भाग रहा है, अभी जाके वहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि वहाँ पर रास्ता खुदा हुआ है, नाला खुदा हुआ है तो वहाँ भी फंस जाएंगे लोग, फिर यहाँ भी फंसते हैं। जहाँ देखो वहीं फंसते हैं, जहाँ देखो वहीं गिरते हैं। हमने बोला था कम से कम ये पट्टी बना दो ठेकेदार से कि यहाँ से वहाँ तक बढ़िया सा जोड़ दो ताकि ये जो ट्रैफिक है वहाँ पे प्याली चौक पे जाता है वहाँ फंसता है वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन ये भी काम नहीं हुआ। अभी लोग किसी तरह से एक गड्ढे से होके इधर जाते हैं, इसकी वजह से शाम को बहुत ज़्यादा जाम लगता है और कई गाड़ियाँ डैमेज हो जाती हैं। अब भैया अभी आपने देखा होगा MCD में वो भाजपा की सरकार थी, वहाँ पे उनकी हार हो गई। अब यहाँ फरीदाबाद में भी MCF में भाजपा का राज है, तो क्या इस तरह से बेढंगा काम होगा तो जनता वोट देगी इनको? नहीं देगी, नहीं देगी ना, तो सबक सिखा देगी। अभी नेताओं को सोचना चाहिए ना, काम ठीक से करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से 4 महीने वाला काम 4 साल में ना करो आप, ठीक है? अभी अगर हम लोग जोर ना दे भाई साहब ये काम इतना भी नहीं होता, नहीं होता बिल्कुल। ये चुप मार के बैठ गए थे, आंखों पर चश्मा लगा के बैठ गए थे कि देखेंगे काम कब होता है। अभी हमने कहा ये खंभा कम से कम इसको लाइन ठीक से कर दो, अभी खंभे को भी लाइन नहीं किया गया, जबकि भाजपा की राज्य में सरकार, केंद्र में सरकार, MCF में सरकार, सारे मंत्री इनके, सारे विधायक इनके, सारे अधिकारी इनके, बिजली विभाग इनका, लेकिन इनकी कोई सुन नहीं रहा है। अगर ये चाहते तो खंभों का अलाइनमेंट कर देते। दिखाइए भाई साहब ये जो खंभे रास्ते में आ रहे हैं इसी वजह से रोड नहीं बन रहा है। ये अलाइनमेंट भी नहीं करवा रहे कि खंभों को इधर करवा दें। हाँ भाई साहब, हाँ जी, ये जो खंभे हैं ना ये रास्ते में, उधर दिखाओ, ये जो खंभे दिख रहे हैं ना ये रास्ते में आ रहे हैं, ये खंभे उखड़ के थोड़ा इधर आने हैं क्योंकि रोड उधर वहाँ तक बनेगा तो खंभे रास्ते में आ रहे हैं, इसी वजह से रोड नहीं बन पा रहा है। लेकिन नेता लोग मुझे दिखाए, जो पावर मंत्री हैं बिजली विभाग, जो पावर मंत्री हैं मतलब पावर मंत्री मिनिस्टर ऑफ पावर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, उनको चाहिए कि तुरंत खंभों का अलाइनमेंट करवाएं, अपनी पावर का इस्तेमाल करें और तुरंत ये रोड बनवाएं। ऐसा नहीं कि ये रोड नहीं बनने से 1-2 वार्ड के लोग ही आपको सबक सिखाएंगे। कई बार आप सोचते हैं कि चलो इस वार्ड के लोग नाराज होंगे, हमें वोट नहीं देंगे, कोई बात नहीं, पूरा फरीदाबाद तो देगा नहीं। इस रोड से पूरा फरीदाबाद ट्रैवल करता है, रोज़ाना लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, वो सब परेशान होते हैं। ज़रूरी नहीं अगर सेक्टर 7 का आदमी इधर से जाएगा वो भी परेशान होगा, अगर ग्रेटर फरीदाबाद का आदमी इधर से जाएगा वो भी परेशान होगा,
अगर सेक्टर 28 का आदमी इधर से जाएगा वो भी परेशान होगा, अगर बल्लभगढ़ का आदमी इधर से जाएगा वो भी परेशान होगा, उसके मन में भी यही आएगा यार नेता लोग काम नहीं करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार है, और यहाँ पर सरकार नाम की चीज़ नहीं है, MCF नाम की चीज़ नहीं है, अधिकारी नाम की चीज़ नहीं है, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई किसी की मानता नहीं है, उसके मन में यही जाएगा। और अगर कोई भूले भटके किसी दूसरे राज्य से फरीदाबाद में आ गया और इस तरह का रोड देखेगा तो उसके मन में भी यही होगा यार ये फरीदाबाद कैसा शहर है, कहने को तो स्मार्ट सिटी है लेकिन यहाँ पर ऐसे रोड हैं, यहाँ पर ऐसे जाम लग रहे हैं, यहाँ पर ऐसे लोगों की मौत हो रही है, यहाँ पर सीवरेज खुला हुआ है, यहाँ पर घटिया ढक्कन बनाए जाते हैं, यहाँ पर घटिया रोड बनाई जाती है, हर काम यहाँ पर घटिया होता है, तो किस तरह से स्मार्ट सिटी बनेगा फरीदाबाद, तो सबके दिमाग में यही आता है। अब यहाँ के फरीदाबाद के भाजपा नेताओं को इस बात को सोचना चाहिए, अगर घमंड में बैठे रहे तो आपका भी पत्ता साफ हो जाएगा। अगर आपने काम किया, आपने मेहनत की, आपने जनता को ये दिखाया कि हम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं, तभी जनता दोबारा आपको चुनेगी। मैं तो सिर्फ एक वार्निंग दे रहा हूँ क्योंकि MCD का नतीजा आपने देख लिया है, अभी फरीदाबाद में जब चुनाव होंगे तो यहाँ का भी नतीजा आप देख लेना। अगर आपने 2-3-4 महीना ढंग से काम नहीं किया तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से जनता आपका काम ख़त्म कर देगी, आपको घर पर बिठा देगी, इतना आप मान कर चलिए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।